दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि बहुत बड़ा दरबार नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार बहुत बड़ा दरबार तेरा बहुत बड़ा दरबार नौकर रख ले रे नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार।
गाड़ी में आज 150 का पेट्रोल डल चुका है। और जय बालाजी, जय विंध्यवासिनी, बोलो हारे के सहारे की, बोल बाबा श्याम की, बोल काटू नरेश की। हाँ, फागुन लग चुका है और फागुन का मेला चल रहा है अब। और बताना चाहूँगा, अगर आप निशानी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं श्याम बगीची सरकार की, तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और आज ही अपना निशान ले लें। जीवाजीगंज निम्बाजी खो में स्थित है श्याम बगीची सरकार, एक बार होकर आइए। आपकी कोई भी दुख तकलीफ है या कोई परेशानी है, मेरे कहने पर एक बार होकर आ जाइए और बाबा से अपनी दुख तकलीफ बताकर आ जाइए। 24 घंटे में आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये श्याम का आशीर्वाद है। जय बालाजी, जय विंध्यवासिनी, अल्लाह के रहमो करम से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, आप ही का अपना वाला प्रोग्राम ग्वालियर मेला महोत्सव में मैं विवेक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज भी कई सारे टैलेंट आए हैं, हमारी चाची भी आई हैं और बुआ जी भी आई हैं, खाला के लड़के भी आए हैं, खाला के बच्चे भी आए हैं और साथ में चाची के बच्चे भी आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमारी प्यारी सी बहन यहाँ पर मौजूद है माँ विंध्यवासिनी का नाम लेकर, और शुरुआत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तनिष्क खान। तनिष्क खान, ये तो वही है, कहाँ रहते हो बेटा? आदर्श कॉलोनी। आदर्श कॉलोनी, हाँ, हमारी आज काला की लड़की आ गई है आज। हाँ, हमारी छोटी बहन आ गई है, क्या सुनाओगे? सिंगिंग और डांस। सिंगिंग करेंगे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम बताया था आपने? तनिष्क खान। तनिष्क खान, ग्वालियर की बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इनका सिंगिंग टैलेंट। मैं चाहूँगा, क्योंकि जब भी बेटियाँ आएँ तो बेटियों का स्वागत कीजिए ताली बजाकर, क्योंकि बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं। और कहते हैं बेटियाँ किसी से जोर से तो बोलिए, बेटियाँ किसी से कम नहीं, बेटियाँ किसी से कम नहीं, कम नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां ग्वालियर की बेटी के लिए सुनाइए। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़के ना दिल देखो दिलबरो, मेरे दिलबरो फसलें पकेंगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेंगी फिर से। बस इतना। बहुत शानदार। अब आपका डांस है जी, स्पेशल डांस। किस गाने पर डांस करने वाले हो? कौन सा? नहीं, आपकी सिस्टर है। सिस्टर है आपकी? अप्पी है? हाँ। बड़ी अप्पी है? नहीं, ताई की लड़की। ये ताई की लड़की है, बड़ी अम्मी की लड़की? आप बड़ी अम्मी की लड़की? हाँ। तो आप बड़े हैं इनसे? हाँ। तो आप डांटते तो नहीं इनको कभी? नहीं, कभी नहीं डांटते ना। चलो, आप अब करने वाले हो परफॉर्मेंस। हाँ। चलिए तनिष्क खान का प्यारा सा परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं, ग्वालियर की बेटी। और हमारी देख रही है खाला, हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ, शंकरपुर वाली खाला देख रही है आपका प्रोग्राम। हाँ, अब आने वाली है ग्वालियर की बेटी तनिष्क खान का प्यारा सा परफॉर्मेंस आप सभी के बीच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेटी के लिए। दिन भर सोच में डूबू, मैं रात में जागू न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। गजरा बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, चले जब ये पुरवाई बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का सजना, मैंने
और जोरदार तालियां छोटी बहन के लिए, जोरदार तालियां। और चलिए चलते चलते अब आ गए, हमारी छोटी बहन भी यहाँ पर आई है आज। हाँ, मम्मी पापा के साथ के, मम्मी के साथ के, मौसी के साथ, किसके साथ आयो? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ और कौन आया है? मौसी। मौसी भी आई है? तो आज तो मौसी भी बहुत खरीदारी कराने वाली हुआ मौसी से, है ना? कहाँ है आपकी मौसी जी? मौसी। अच्छा, मौसी उधर है, छोटे भैया को लिए हैं। बेचारी मौसियों को पता नहीं, भाभी लोग हमारी जितनी भी भाभी हैं अपनी छोटी बहनों को हमेशा एक ही काम पकड़ा देती है, मेले के अंदर बच्चों को गोदी में ले लो। उसका खुद का ही बच्चा है वो। अच्छा, उन्हीं का बच्चा है वो, मुझे लगा आपका ले लिया। कहाँ रहते हो बेटा आप? सिगी नगर कॉलोनी। चलो, क्या सुनाओगे? भजन। भजन सुनाइए। पच्युदम केशिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, पच्युदम केशिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, पच्युदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम गोपियों के जैसे सुलाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे सुलाते नहीं। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए। अरे वाह, आपने भी ताली बजा दी। आप कौन हो? आप छोटे भाई हो? अच्छा, छोटी बहन है ये आपकी? क्या नाम है बेटा आपका? आ जाओ गोदी में आ जाते हैं अपन। बताओ नाम, बताओ जल्दी से। अनामिका। अनामिका नाम है? अरे वाह, बहुत शानदार नाम है आपका। क्या सुनाओगे? छोटी छोटी गैया सुनाओ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदर गोपाल, छोटा सा मेरा मदर गोपाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे मेरा मदर गोपाल, काच खावे गैया, दूध पिए ग्वाल, मक्खन खावे मेरा मदर गोपाल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो अभी? कितने साल की है ये गुड़िया? हाँ, मतलब 3 ईयर की है। क्या हो गया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। भैया 3 साल का बच्चा है अभी, तो अभी तो चलना सीखे हैं। 2019, 2020 और 2023, 2 साल का कोरोना काल का गैप। हाँ, अभी तो छोटे छोटे बच्चे अभी चलना सीखे हैं। चलिए अब दिखाते हैं, एक आपके लिए ये चॉकलेट है वीरेन शर्मा जी की ओर से। हाँ, उनका हैप्पी वाला बर्थडे है हमारे सर का, मालूम है? हाँ, एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, आपको भी चॉकलेट दूंगा, पर आपको डांस दिखाना पड़ेगा पहले। अच्छा, दिखाओगे? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस 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 बिल्कुल बिल्कुल। किस गाने पे करोगे? मेरे मन में बड़े से आ रहा था धंधा कोका कोला लाए। अच्छा, कोका कोला पे। चलिए दिखाते हैं हमारी छोटी बहन का प्यारा सा टैलेंट, और एक बार मैं फिर से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए छोटी बहन के लिए। हाँ, और इनका टैलेंट देखना, टैलेंट इतना खतरनाक और इतना शानदार डांस।
आप देखेंगे देखते ही रह जाएंगे। हाँ, ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका। चलिए दिखाते हैं हमारी छोटी बहन का प्यारा सा टैलेंट मेला महोत्सव 2023 में। और छतरी नंबर कितना है? छतरी नंबर तीन पर। आई हमारे बॉस का बर्थडे है, अभी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है वीरेंद्र शर्मा जी का। बोल दो हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे अंकल। एक आपके लिए, अभी मैं और भी गिफ्ट दूंगा, आपने डांस बहुत अच्छा किया है। हाँ, बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे अभी आपको। मेरे छोटे बहन भाइयों ने आज घेर लिया है। हाँ, ये हमारी भाभी की बच्ची, ओ ये भी आ गई हमारी मौसी की लड़की। बड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बच्चे ही। अभी एक दिन हुआ है दो बच्चे आए थे, एक निम्बाजी की खो से और एक महलगांव से। दोनों ने इतना शानदार डांस किया चार चार साल के कि फेसबुक पेज पर अभी तक 80,000 लोग देख चुके हैं एक दिन में उनके टैलेंट को। हाँ, तो ये तो मेला महोत्सव का टैलेंट है। क्या नाम है बेटा आपका? आप भी डांस करोगे? आपका नाम क्या है? अच्छा। पेंट खिसकता है क्या आपका? तो ये क्या, किसका? पापा का पेंट पहन के आए हो? पापा का पहन के आए हो? अरे वाह, ये पापा का पेंट पहन के आया है। तो आप पहन के आए पापा का? तो आप अपना पहन के आए हो? क्या नाम है आपका? संस्कार। अच्छा, और आपका? स्नेह श्रीवास। और आपका? ऋषि। क्या नाम है? ऋषि। इसी नाम है आपका? चलिए, चारों बहन भाइयों का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं मेला महोत्सव 2023 में। और छतरी नंबर तीन पर। श्रीदेव स्टूडियो चौथ का परवाड़ा पसराम भाई पाउडेरा सहा। ये लाल रंग की लुगड़ी पे जलरी वाड़ो लेंगो, ये काजड़ टीकी कलप छुट्टी लो नखरो तेरो महंगो, चुन्नी में परफ्यूम लगाओ
एक बार जोरदार तालियां चारों बच्चों के लिए की ओर से, और एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर से, और एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से। थैंक यू। हाँ चलिए अब दिखाते हैं, हाँ अब आपको दिखाते हैं ग्वालियर की बेटी और मेला महोत्सव की छोटी बहन का प्यारा सा टैलेंट। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया कब से? बचपन से ही। ए छोड़ी, तेरा नाम किसने रख दिया? मेरी मम्मी ने रखा है। और किसने? आपकी मम्मी ने रखा। हाँ हरियाणा से आई है सीढ़ जी। हाँ हरियाणा से आई है, और अब आपका इसका टैलेंट देखना हमारी प्यारी बहन का। आ जाओ भैया, अब हमारी बहन का टैलेंट देखना। ये हमारे भैया, हाँ मेला फोटोग्राफर हमारे राठौर साहब भी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बता चश्मा कैसा लगाया हो? माजा अच्छा लग रहा है चश्मा। अच्छा बहुत बढ़िया लग रहा है। सही है, लेके आयो गिफ्ट दिया किसी ने? फिर एक फोटो खींच दो इसी बात पे। अभी खींचते हैं, अभी खींचे, अभी लौट के आते हैं। अभी आप प्रोग्राम करो फिर लौट के आते हैं। नहीं प्रोग्राम में ही तो खिंचवाना है भाई, प्रोग्राम में खिंचवाना है, खींच देते हैं। चलिए हाँ चलते फिरते आपको मिल जाएगा ग्वालियर के व्यापार मेले में, और यानी के हजीरा क्षेत्र का समझ लीजिए, ग्वालियर का नंबर वन स्टूडियो, हाँ शिवांगी डिजिटल स्टूडियो। यस खींच रहे हो ना? ये सब मेरी छोटी छोटी बहनें आई हैं, उनका भी खिंचवाना है। सबका खींचूंगा मैं अभी। चाची मौसी सबका 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 पक्का पक्का। चलिए अब दिखाते हैं टैलेंट हमारी छोटी बहन का, सीधे हरियाणा से आई है हमारी प्यारी बहन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आए गाड़ी खराब हो गई थी, पर मैंने हाँ जीवाजीगंज निम्बाजी खो से सीधे 8 नंबर टेम्पू लिया, और सीधे टेम्पू में बैठ के ठक 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 यहाँ पे आ गया, और टेम्पू में ही सारे टैलेंट लेकर आया हूँ। हाँ क्या चाची शुरू कर दे? पक्का रोटी तो नहीं बनाओगी? नहीं बनाओगी ना? चलिए दिखाते हैं मेला महोत्सव की प्यारी सी बहन सोनिया का टैलेंट। गात गरम मन लिया देखो तुम्हें, नरम नरम यो गात गरम मन लिया देखो तुम्हें, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा घूंघट की ओट में। आख्या में जो नशा के सुता हो जासे, केलेरी इन आख्या में जो नशा के सुता हो जासे, इन आख्या में जो नशा के सुता हो जासे, हेरा मर जानी तेरा भोला पण मेरे भीतर लेने मोह जासे, हो केलेरी इन आख्या में जो नशा के सुता हो जासे, हो काला पिल पर गोरे गाल पे खड़ा सपोर्ट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुक्या हंडे आरो घूंघट की ओट में, मेरा घूंघट की ओट में। एक बार जोरदार तालियां मेला महोत्सव की बहन के लिए। हम मेले में दुकान लगाते हैं जी, खिलौनों के, खिलौनों की दुकान लगा दी। हाँ ये छोटे व्यापारी है और इनमें भी टैलेंट है। हाँ अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, अभी आपको भी गिफ्ट दूंगा। क्या नाम है? मुझे तो सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग सुनाएंगे? माय नेम इज शिफा अली खान, मैं सॉन्ग सुना रही हूँ। जिंदगी के गम भुला कर चलती रही, मुश्किलों से मुस्कुरा कर बढ़ती रही, तू मिल गया तो लगा जैसे कितनी ही बेरूह थी जिंदगी, पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश रूपों
रूपोश रूपोश हो के रूपोश तेरी नजरों के सदके में जावार दूंगी, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगी। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, तू जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगी। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। हो के रूपोश 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 हो के रूपोश। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हमारी बड़ी अम्मी की लड़की आई है, हाँ हमारी छोटी बहन आई है। एक और कोई ऐसा ही गाना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। एक और कौन सा सुनाऊं मैं, हमराजी तेरी मेरी जो हमने कहीं रब ने मानी, कहने लगी खामोशी जो हमने सुनी रब ने मानी। ये साजिश है इश्क की, जो मिल गया साथ तेरा। हुए जी हुए इश्क में हम राजी। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए छोटी बहन के लिए। और दोस्तों विशाल मेला महोत्सव की टीम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर एक पर, यानी कि छतरी नंबर एक और दो के ठीक बीच में विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर और स्लिप वेल मैट्रेस का ये शोरूम। चलिए आज आपको यहाँ से सीधे लेकर चलता हूँ, शोरूम के हर एक प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे और इस गेट से एंट्री करने वाले हैं और निकलेंगे सीधे 7 नंबर गेट पर। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपके लिए सेंटर टेबल की भरमार है। यहाँ पर सेंटर टेबल अलग अलग डिज़ाइन और कलर में यहाँ पर अवेलेबल है, साथ में सोफ़ा कम बेड, यानी कि आपके घर में अगर स्पेस कम है तो आपके लिए ये शानदार सोफ़ा कम बेड, यानी कि जब मेहमान आए तो सोफ़ा बना लीजिए और मेहमान अगर रुक जाएं आपके घर पर तो रात में बेड बना लीजिए। हाँ, मेहमानों की व्यवस्था उसी पे बैठेंगे और उस पर भी लेट जाएंगे। और साथ में इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बॉक्स सुविधा भी आपके लिए दी गई है। इसमें आप अपनी रजाई या अपना कोई भी सामान आराम से इसमें रख सकते हैं। इसमें बॉक्स सुविधा भी दी गई है, सोफ़ा कम बेड, और साथ में स्लिप वेल के मैट्रेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और सोफ़े आप देख सकते हैं, हर एक कलर में, हर एक डिज़ाइन में, यानी कि फिल्मी सोफ़ा और टीवी सीरियल वाले सोफ़े यहाँ पर अवेलेबल हैं विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर के शोरूम पर। और चलिए आज ड्रोन उड़ने वाला है और ड्रोन को उड़ाते हुए दिखाते हैं विशाल विंडो कूलर, यानी कि ग्वालियर व्यापार मेले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर का ये शोरूम जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर यानी कि अब 6 से 7 दिन का मेला बचा है, तो दोस्तों बम्पर ऑफर चल रहा है, धमाकेदार ऑफर, हाँ, और धमाकेदार कैश डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में ये शानदार ड्रेसिंग टेबल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शानदार ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, और इनमें जो कांच यूज़ किया जाता है वो उच्चतम क्वालिटी का कांच यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं जतिन भाई, दिखाइए, हाँ, उच्चतम क्वालिटी का कांच यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं ये शानदार ड्रेसिंग टेबल टीवी स्क्रीन पर, हाँ, अपनी बिटिया की शादी के लिए ये शानदार ड्रेसिंग टेबल शानदार रहेगी। हाँ, उसके ससुराल वाले भी तारीफ करेंगे, क्योंकि विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर पर 2023 के सारे न्यू मॉडल फर्नीचर यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, ग्वालियर व्यापार मेले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी सी हवा खा लें। हाँ, ये बड़ा वाला कूलर भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी टेंट व्यवसायी हैं, टेंट डेकोरेशन व्यवसायी हैं, इवेंट वाले हैं, अगर वो उनको कूलर की रिक्वायरमेंट रहती है तो यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला कूलर भी यहाँ पर अवेलेबल है।
और चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये शानदार कूलर यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साथ में ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ डाइनिंग टेबल और अलमारियों की भरमार है, यानी कि एक से बढ़कर एक अलमारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर के शोरूम के अंदर का नज़ारा, यानी कि अभी थे हम एक नंबर छतरी की साइड से हमने एंट्री की, अब हम आ चुके हैं 7 नंबर छतरी के गेट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलमारियों की लंबी श्रृंखला आपको देखने के लिए मिल जाएगी विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर के शोरूम पर। और अब आपको दिखाते हैं विशाल जो कूलर की दुनिया में नंबर वन, ग्वालियर का नंबर वन कूलर और चंबल संभाग का नंबर वन कूलर और मध्य प्रदेश का नंबर वन कूलर बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर के शोरूम पर ये विशाल विंडो कूलर अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग कलर में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अलमारी लेने का विचार कर रहे हैं या फिर आप कूलर लेने का विचार कर रहे हैं, सोफ़ा कम बेड, डबल बेड, सिंगल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, क्योंकि अब धमाकेदार ऑफर खुल चुका है ग्वालियर के व्यापार मेले में विशाल विंडो कूलर शोरूम पर। धमाकेदार ऑफर, हाँ, जो आपने सोचा नहीं होगा वो ऑफर, यानी कि अब 6 से 7 दिन का ग्वालियर का व्यापार मेला रह गया, 28 तारीख तक लाइट है। तो आइए सीधे, हाँ सीधे आ जाइए, अगर आप गोलपालिया पे रहते हैं तो 8 नंबर टेम्पू पकड़ कर आ जाइए, और अगर आप सिंधी कॉलोनी रहते हैं तो 4 नंबर टेम्पू पकड़ कर आ जाइए, या आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में सीधे पेट्रोल डला कर सीधे चले आइए अगर आप फर्नीचर लेना चाहते हैं तो। हाँ, अच्छा फर्नीचर और बेस्ट फर्नीचर, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से ग्वालियर के व्यापार मेले में, हाँ, अपनी दमखम के बदौलत चंबल संभाग का और मध्य प्रदेश का नंबर वन फर्नीचर के मामले में और कूलर के मामले में और अलमारी के मामले में नंबर वन विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर, और 2023 के सारे न्यू मॉडल फर्नीचर यहाँ पर मिलेंगे। तो चले आइए सीधे ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 1 और 2 के ठीक बीच में है विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर का ये शोरूम। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फर्नीचर। और सिटी शोरूम हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स ऊंट पुल जिंसी नाला नंबर 1 पर है सिटी शोरूम। आइए और ले जाइए यहाँ से शानदार फर्नीचर। पर मेला ऑफर का फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो आइए सीधे ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 1 पर विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर के इस शोरूम पर। ठट 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 ठट, मेला महोत्सव की गाड़ी पहुंच चुकी है छतरी नंबर 2 पर JBL रवि इलेक्ट्रॉनिक के प्यारे से शोरूम पर। हाँ दोस्तों, अब 6 से 7 दिन का मेला रह गया है और जितने भी ऑफर हैं सारे ऑफर खुल चुके हैं, यानी कि ऑफर की भरमार लेकर आया है रवि इलेक्ट्रॉनिक, रवि ट्रेडर्स आपके लिए। यहाँ पर आपको JBL के हर एक प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ में आप देख सकते हैं ये तीनों पैक हो चुकी हैं, एक जाएगी भिंड और एक जाएगी मुरैना और एक जाएगी भामौर। हाँ, भामौर वालों ने भी ले ली है, क्योंकि आप जो जितना जो प्यार दे रहे हैं मेरा महोत्सव को। हाँ, और साथ में यहाँ पर मिलसेंट आटा चक्की भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि 70 वर्षों से मिलसेंट ने, हाँ, अपनी थाक जमा के रखी है ग्वालियर के व्यापार मेले में, और साथ में आप देख, हाँ, 70 वर्षों का विश्वास है और मिलसेंट आटा चक्की जब आपके साथ है, हाँ, और रवि ट्रेडर्स का साथ आपके साथ, क्योंकि मिलसेंट आटा चक्की, हाँ, चक्की में चक्की मिलसेंट आटा चक्की। अगर आप मिलसेंट आटा चक्की लेना चाहते हैं तो आइए सीधे ग्वालियर के व्यापार मेले में, यहाँ पर ऑफरों की भरमार खुल चुकी है, यानी कि अब 6 से 7 दिन का मेला रह गया है, तो सारे ऑफर का अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो चले आइए सीधे ग्वालियर के व्यापार मेले में मिलसेंट आटा चक्की के शोरूम पर। 70 वर्षों का ट्रस्ट, हाँ, 70 वर्षों का विश्वास जीता है मिलसेंट आटा चक्की ने। आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, चक्की लेने का विचार कर रहे हैं, एक बार आइए देखिए और परखिए क्यों बेहतर है अदर कंपनी के मुकाबले मिलसेंट आटा चक्की। आप चलिए मिलसेंट आटा चक्की से अब सीधे आ जाते हैं JBL के शोरूम पर। हाँ, ऑनलाइन से भी कम ऑनलाइन का रेट देख लेना और मेले ऑफर के रेट देख लेना, क्योंकि रवि ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। हाँ, तो यहाँ पर आपके लिए ढेरों सारे ऑफर और साथ में ऑनलाइन से भी कम रेट में यहाँ पर मिल रहा है आपको शानदार साउंड बार, आप जब अपनी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि अब
आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ अपनी पसंदीदा फिल्म को देख सकते हैं। आप जाते हैं ना थिएटर में, हाँ, 500-500 का, 800-800 रुपए का टिकट लेके और फैमिली को लेकर जाते हैं, सीधे 8-10 हज़ार रुपए एक दिन में ख़त्म। पर अगर आपके पास होगा आपका घर का थिएटर, तो आप अपनी पसंदीदा फिल्म को अपनी एलईडी में लगाइए और अपने थिएटर रूम में बैठिए और बढ़िया किचन से गरम गरम पकौड़े, गरम गरम समोसे और साथ में गरम गरम पराठे का आनंद लीजिए और फिल्म को देखिए अपने अंदाज में और JBL के अंदाज में, क्योंकि JBL का ये शानदार साउंड बार यहाँ पर अवेलेबल है और ऑनलाइन से भी कम रेट में मिल रहा है JBL। तो चले आइए सीधे ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 2 और रेडियो रूम के ठीक बीच में है JBL रवि इलेक्ट्रॉनिक का ये शोरूम और मिलसेंट आटा चक्की रवि इलेक्ट्रॉनिक का ये शोरूम, छतरी नंबर 2 और रेडियो रूम के ठीक बीच में। और दोस्तों, विशाल मेला महोत्सव की टीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोपी बाजार में, रस्सी वाली मार्केट में है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। चलिए दिखाते हैं सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर कौन कौन सी हाइजेनिक मशीनें हैं जो आपके मोबाइल को तुरंत ठीक कर देंगी अगर किसी भी कंपनी का आपका मोबाइल फ़ोन अगर ख़राब हो गया है, क्योंकि कहते हैं इनको मोबाइल फ़ोन का ब्यूटी पार्लर। गुरुजी कॉम्प्लेक्स में हूँ मैं टोपी बाजार में, ये आपको बाहर मार्केट का बोर्ड दिख जाएगा और यहाँ से जीनों से आप जैसे ही आप एंटर होंगे, एंटर होते ही राइट हैंड पर आपको सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की ये दुकान आपको मिल जाएगी। चलिए दिखाता हूँ हाइजेनिक मशीनें। और दोस्तों, हाइजेनिक मशीनें यहाँ पर मिलेंगी आपको और आपके मोबाइल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके मोबाइल की प्रॉब्लम को ठीक करेगा सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये अलग अलग कंपनियों के ये फोल्डर आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपका फोल्डर ख़राब हो जाता है, किसी भी कंपनी का आपका मोबाइल हो, फोल्डर भी यहाँ पर तुरंत डाल दिया जाता है, तुरंत ठीक कर दिया जाता है। आपकी आपको कहीं ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है या आपका बिना मोबाइल फ़ोन के काम नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा टोपी बाजार में, यहाँ पर आपको बैक ग्लास भी डालकर देते हैं। आप अगर आपका बैक ग्लास खराब हो गया है, बैक कवर खराब हो गया है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराज बाड़े पर, स्टेट बैंक के ठीक सामने है जीत फैशन और जीत फैशन का ये शोरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस है आपको यहाँ पर मिलेंगी, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए और महिलाओं के लिए, और साथ में वेस्टर्न ड्रेस, दिल्ली मुंबई का पूरा फैशन आपको यहाँ पर मिलेगा जीत फैशन पर। आप देख रहे हैं ये जीत फैशन के अंदर का नज़ारा है अपनी टीवी स्क्रीन पर, जीत फैशन महाराज बाड़े पर है जीत फैशन, और ये शानदार ड्रेस है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेंगी वेस्टर्न ड्रेस है, हाँ ये देखिए वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस का खजाना है यहाँ पर जीत फैशन महाराज बाड़े पर, बड़ी वाली एलईडी के जस्ट पीछे जीत फैशन। ये जीत फैशन के अंदर का ये नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए ये शानदार आपको ड्रेसें यहाँ पर मिलेंगी। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए यहाँ पर कई सारे ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज आपको दिखाते हैं मीनू कलेक्शन। मीनू कलेक्शन ये है चामड़ी बाजार में, बिच्छूरगढ़ की गोट में। दोस्तों, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको किराए पर यहाँ पर ज्वेलरी भी मिलती है, लहंगे भी मिलते हैं, और साथ में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेडीमेड लहंगे और क्रॉप टॉप और फैंसी सूट और बनारसी साड़ी भी यहाँ पर अवेलेबल है, और डेकोरेशन के आइटम भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, डेकोरेशन के भी। तो मेरे साथ में यहाँ पर मीनू मैम यहाँ पर मौजूद है। मीनू मैम, यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है मीनू कलेक्शन पर? अपने यहाँ पर सब मिलता है, ज्वेलरी, साड़ी, कुर्तीज, लेगी, पैंट, दुपट्टे, ज्वेलरी, और अपन रेंट पर लहंगे भी देते हैं, रेंट पर हाँ, गाउन देते हैं, और जो भी ड्रेसेस होती हैं हैवी वो भी अपन देते हैं,
और अपने यहाँ डांडिया का कलेक्शन भी है, डांडिया के लहंगे भी दिए जाते हैं रेंट पर, और मतलब सभी कुछ है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं। ये शानदार ज्वेलरी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ज्वेलरी भी यहाँ पर मिलती है। अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं, और अगर किराए पर लेना चाहें तो किराए पर भी ले सकते हैं। ये शानदार ज्वेलरी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये शानदार ज्वेलरी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ज्वेलरियाँ यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर फैब्रिक कपड़ा भी यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर फैब्रिक भी यहाँ पर अवेलेबल है। और आजकल आप देखते हैं ना टीवी सीरियल में, हाँ टीवी सीरियल की बहुओं को और उनकी सासों को, तो उनके लिए, सास के लिए भी ये शानदार लॉकेट यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवी फैशन, बच्चों के सारे कपड़े यहाँ पर अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज के। नवी फैशन कोहिनूर हौजरी के ठीक बगल में है, नवी फैशन और गर्ग साड़ी कलेक्शन के ठीक बगल में नवी फैशन का ये शोरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए ये शानदार ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी यहाँ पर ड्रेसेस अवेलेबल है, शादी पार्टी के सभी ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि ऑल किड्स फैशन के कपड़े सारे यहाँ पर अवेलेबल है। देख सकते हैं आप ये गर्ल्स के लिए, छोटी बहनों के लिए ये शानदार ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ मॉल और ऑनलाइन से भी कम दामों में यहाँ पर अवेलेबल है ये शानदार ड्रेस जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अलग अलग कलर में, अलग अलग डिजाइन में, यानी कि आपके घर में है अगर शादी पार्टी या कोई वैवाहिक फंक्शन, तो आपके बच्चे और आपकी बच्ची भी लगेंगी बिल्कुल परी की तरह। यहाँ पर ड्रेसेस, सारे ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर नवी फैशन स्टोर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की सबसे बड़ी थोक दुकान, यानी कि साड़ी की दुकान गर्ग साड़ी कलेक्शन। थोक रेट में मिलते हैं आपको यहाँ पर वैवाहिक फंक्शन के सारे ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल है, और ये चार मंजिला ये शोरूम है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर साड़ियों की लंबी श्रृंखला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि थोक रेट में आपको यहाँ पर साड़ियाँ मिलेंगी। और अगर मेला महोत्सव का नाम लेकर आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट और गिफ्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और भैया अभी व्यस्त हैं, पर यहाँ पर अगर आप चढ़ावा लेने जाते हैं आप, तो आप बाज़ार में इधर उधर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर आप मोल भाव करते हैं। कोई मोल भाव नहीं, थोक रेट में ले जाइए यहाँ से अपनी बहू के लिए ढेर सारी साड़ियाँ, और साथ में लहंगा भी यहाँ पर अवेलेबल है, और सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। क्या क्या अवेलेबल है हमारे यहाँ? आपको साड़ियाँ दुल्हन के हिसाब से बड़ी आकर्षक साड़ियाँ मिलेंगी, लहंगे का आकर्षक कलेक्शन मिलेगा, दुल्हन से संबंधित हर वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस वक्त मैं झूला सेक्टर पर मौजूद हूँ, और आप चेहरा देख कर पहचान गए होंगे, लपेटे में नेताजी, हाँ गौरव चौहान जी, इंटरनेशनल कवि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गौरव चौहान जी, और कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं गौरव चौहान जी। अभी मुझे यहाँ पर मिल गए झूला सेक्टर पर, झूला झूलते हुए सर कैसा लग रहा है ग्वालियर? अद्भुत है, आप मुझे मिले, और विवेक शर्मा जी को पहले भी मिले हैं, अच्छे एंकर हैं, और आज तो मैं एक्चुअली अगर किसी दूसरे शहर में हूँ तो लोग समझते कवि सम्मेलन की वजह से हूँ, लेकिन आज ग्वालियर में मेरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी, साथ में मेरे बच्चे भी थे, तो बस। और सर 16 साल से ग्वालियर आ रहा हूँ कवि सम्मेलनों में, लेकिन आज तक ग्वालियर मेला मैंने भी नहीं देखा था। आपने भी नहीं देखा? हाँ राज इंदौरी जी के साथ में वो लास्ट मुलाकात थी। हाँ जी जी मेरी। लेकिन अद्भुत है, सुना बहुत था कि ग्वालियर का मेला बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे अंचल की एक धरोहर है ये मेला, जो साल भर में एक बार जब लगता है तो लोग अपनी सारी खुशियाँ परिवार के साथ अन्यत्र ना कहीं जाकर, मौसम इतना अच्छा होता है कि कड़क सर्दी में स्टार्ट होता है, और जब सर्दी जा रही होती है तो ये मेला भी धीरे धीरे जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले कुछ रचनाएं हो जाएं सर। आज हमारे ग्वालियर वासी और यूट्यूब पर जो 22 लाख लोग देख रहे हैं फेसबुक पेज पर ग्वालियर मेला महोत्सव प्रोग्राम को, हाँ, और यूट्यूब पर 11.5 करोड़ लोग। अच्छा अच्छा, तो सर कुछ उनके लिए? मैं वैसे तो वीरस लिखता हूँ, देशभक्त लिखता हूँ, लेकिन ग्वालियर और जो हमारा पूरा परिक्षेत्र है,
गालिब ऋषि की तपोभूमि है, भिंडी ऋषि की तपोभूमि है और ये बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं की धरती है। तो गर्व करना चाहिए हमें और गर्व के लिए चार पंक्तियां हैं कि कौन हैं हम लोग और कौन हैं आप हम, कि जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं और समय और सृष्टि के आरंभ से है। यह है अमर गाथा कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं, कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं। ग्वालियर राष्ट्रवाद की भूमि है, ग्वालियर सनातन वैभव की भूमि है और विवेक शर्मा जी जैसे लोग जब तिलक लगाकर रुद्राक्ष पहनकर माइक लेकर ग्वालियर के मेले में लोगों से बात करते हैं तो लगता है कि सनातन का एक योद्धा लगा हुआ है और तमाम सनातनियों के वैभव को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। तो विवेक जी आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइनें वीर रस की दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ मैं अभी बागेश्वर धाम, मैं 3 दिन पहले बागेश्वर धाम था, वहाँ मेरा कवि सम्मेलन था और वो मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ कन्याओं के अभी वहाँ में मेरा कवि सम्मेलन था। तो चार पंक्तियाँ मैंने देश के लोगों से कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन देशद्रोहियों को हमसे मिलकर चार पंक्तियों में जवाब दे सकते हैं कि ऐसे टुकड़े नहीं होंगे भारत के, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता और जो भारत के हैं दुश्मन वो लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत शानदार और भारत माता की जय। और सर हम आपको भी सलूट करते हैं और हम बहुत धन्यवाद समझ रहे हैं अपने आप को जी जी जी। क्योंकि आज हाँ लपेटे में नेताजी को तो ये लेते रहते हैं, चैनल पे आप देखते रहते हैं न्यूज चैनल पर फौजदार प्रताप फौजदार जी के साथ में जी जी जी। वो 6 साल लपेटे में नेताजी के मेरे शो के 6 साल पूरे हो गए हैं, 6 साल पूरे। हाँ और मैं उसमें 173 एपिसोड कर चुका हूँ, हर शनिवार रविवार 8 बजे आप जरूर देखिए न्यूज 18 पर न्यूज 18 लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी आप देखिए और मेला महोत्सव 2023 ये भी आप देखते रहिए, ग्वालियर मेला महोत्सव 2023। हमारे चाची जी आई हैं, नमस्ते चाची जी। नमस्कार, कहाँ से आए आप? थाटीपुर। थाटीपुर तो क्या सुनाएंगे आप? भजन सुना। भजन सुना। तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो साथी तुमी सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो। एक बार जोरदार तालियां आंटी जी के लिए। क्या नाम है आपका? हर्षिता। क्या सुनाएंगे? पैरोडी। पैरोडी पैरोडी सुनाएंगे। डेंगू भी हूँ मैं, मच्छर भी हूँ, सबके घरों में शामिल भी हूँ, सबको काटना सबको मारना बस यही मेरा कसूर, ऑल आउट से मैं कभी डरता नहीं, मैक्सो से मैं कभी मरता नहीं, डेंगू ओ डेंगू मच्छर ओ मच्छर, डेंगू ओ डेंगू मच्छर। हाँ भैया वैसे बहन ने तो ये सुनाया पर मैं आपसे कहना चाहूँगा घर के आसपास पानी नहीं भरने दीजिए क्योंकि डेंगू मलेरिया ये मच्छर पनपते हैं, इनको पनपने ना दीजिए और ख़ासकर बच्चों को पार्क में अगर आप लेकर जाते हैं तो उन्हें पूरे 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 कपड़े पहना कर ले जाएं, यानी कि यहाँ तक आस्तीन तक पूरा कवर करके ले जाएं। और कुछ सुनाएंगे आप? वैसे कुछ नहीं। हाँ हमको गटर में गिरा दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, मच्छर काटे सुअर चाटे, मच्छर काटे सुअर चाटे, पास आओ तुम भी लेट जाओ।
बहुत शानदार। वैसे कॉलेज में ऐसा मस्ती मजाक चलता रहता है। हाँ। आप कॉलेज में हैं? हाँ जी। किस कॉलेज में? आईटीएम। आईटीएम वो तो शानदार कॉलेज है और मध्य प्रदेश का नंबर वन कॉलेज है आईटीएम यूनिवर्सिटी। हाँ, और ये प्रोग्राम आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। हाँ, देखा हुआ है। अभी वन मंथ में लगभग 22 लाख लोगों ने फेसबुक पेज पर व्यू हैं ग्वालियर मेला महोत्सव के, और इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख और यूट्यूब पर 11 करोड़ लोग, 11.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। जैसे आज कर रहा है तो आज कल लाइव नहीं आता? आज का 2 दिन चलता है, पहले चैनल पे एपिसोड बनते हैं ना। हाँ। तो 2 दिन बाद ये आपका इंटरव्यू उसमें मिल जाएगा, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे और साथ में फेसबुक पेज पर। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा, आप अभी रुके रहिएगा। और चलिए एक और हमारी छोटी बहन यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? अंजू राठौर। अंजू राठौर, क्या सुनाएंगे बेटा? भोले बाबा का सॉन्ग। भोले बाबा का सॉन्ग, आ जाइए आ जाइए। बोलो बम 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 बम, हाँ जय महाकाल। भोले बाबा का प्यारा सा सॉन्ग लेकर आई है हमारी छोटी बहन अंजू राठौर के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सुनाइए। हरे हरे शंभु 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 गुरु महादेवा, कर्पूरे गौरम करुणा बेतारम, संसार सारम तुझ बिंदे हारम, सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी करु। हरे हरे शंभु 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 गुरु महादेवा, शंभु 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 हर हर शंभु। अब क्या डांस? हाँ, किस गाने पे? पियाजी तेरी एक ना, पियाजी तेरी एक ना मानू फिल्म चल, रावण देखूंगी। फिल्म चंदावत देखेंगे? रावण, रावण वाली चल, रावण। अच्छा अच्छा, चलिए एक प्यारा सा डांस टैलेंट भी दिखाते हैं हमारी छोटी बहन का। वैसे किसके साथ आए हो आज आप? पापा के साथ। पापा के साथ, और कौन कौन आया है? मेरी दीदी आई है, वो बैठी है। दीदी भी आई है? हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपसे, चूल से आई है मेला महोत्सव में। हाँ, आप सबका चूल का नौता है, केवल 7 दिन का, 6 से 7 दिन का प्रोग्राम रह गया है। तो सभी ग्वालियर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सबका चूल का नौता है, आ जाइए छतरी नंबर 3 पर, हाँ विशाल भंडारे में शामिल होइए मेला महोत्सव के विशाल भंडारे में। चलिए अब दिखाते हैं अंजू बिटिया का प्यारा सा टैलेंट, फिल्म चंद्रावत देखूंगी। जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए, आ जाओ बेटा। चलिए अब बहन का टैलेंट हो गया, बहन के टैलेंट के बाद अब टैलेंट दिखाते हैं अब मैं क्या करूं मैं, बताओ। चला जाऊं यहां से 8 नंबर टेम्पू पकड़ के चला जाऊंगा? मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रुकूंगा,
मेरा टेसू जही कड़ा खाने को मांगे दही बड़ा दही बड़े में पन्नी। चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्वालियर की भाभी जी का प्यारा सा डांस टैलेंट। हाँ यानी कि अभी बहनों का टैलेंट और हमारी भाभी भी किसी से कम नहीं, क्योंकि अब टैलेंट आने वाला है आपके बीच भाभी जी का। भाभी जी क्या नाम है आपका? पूजा कुशवा। पूजा कुशवा जी, पूजा कुशवा जी का प्यारा सा डांस टैलेंट आपको दिखाते हैं मेला महोत्सव 2023 में। और बताना चाहूँगा आज जो होगा खाटू प्रेमी जो अभी तक खाटू नहीं गया है आज ही चला जाए। दो लोगों के टिकट अभी मिलने वाले हैं आशीष गुप्ता जी की ओर से और श्याम की दुनिया की ओर से। जो लोग खाटू नहीं गए हैं, खाटू गए हुआ है आप? अभी नहीं गए आप? हुआ है खाटू? नहीं। आप हुआ है खाटू? नहीं, नहीं गए। चलिए देखते हैं बाबा का आदेश किसके लिए आता है और कौन जाएगा आज खाटू। हाँ दो व्यक्ति एसी बस में श्याम की दुनिया की ओर से, ये प्राइज कौन जीतता है और बाबा किसको आदेश देता है खाटू आने का। चलिए दिखाते हैं भाभी जी का प्यारा सा डांस टैलेंट मेला महोत्सव 2023 में। विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से छतरी नंबर 1 से 1 आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाभी जी के लिए। भाभी जी आपको पहले गाने याद नहीं था वो है ना बीच में ट्यूनिंग याद नहीं आ रही थी। अच्छा ट्यूनिंग याद थी तो सडनली एकदम। हाँ ये कृपा चल रही है। हाँ मैया रानी की बोलो केला मैया की। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और आगे एक और टैलेंट दिखाते हैं, क्या नाम है बेटा? माय नेम इज अली अहमद खान। क्या करके दिखाओगे? डांस। डांस, चलिए छोटे भाई का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। होगी गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आस। एक बार जोरदार तालियां छोटे भाई के लिए। सितारे वगैरह सब कुछ लगा कर आए हो? पक्का? किसने तैयार किया आपको? मम्मी ने। अब्बू नहीं करते तैयार? करते हैं। कौन? अब्बू करते हैं कभी कभी तैयार? नहीं करते। चिरकुंडे क्या देख रहा है? क्या गोदरेज का शोरूम अपने रवि भाई का लगा है। अच्छा, रवि इलेक्ट्रॉनिक का लगा है। अच्छा, ये देख रहा था मैं यार, इसमें डील बढ़िया आ रही है यार, वॉशिंग मशीन आ रही है बढ़िया वाली, ऑनलाइन से भी कम रेट में। कम रेट में? अच्छा, और 10 साल की वारंटी, कंप्रेसर। 10 साल की वारंटी यार। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ में एक टैलेंट भी पेश कर देता हूँ। एक टैलेंट भी लेकर आयो? पक्का? बहुत कर रहा तो वो हमारे जैसा ही है, बट करता बहुत ठुमकेदार है, मतलब तुम्हारे जैसा है। लाल सिंह मामा के भांजा है। लाल सिंह मामा का भांजा? सीधे संतपुरा से? संतपुरा से सीधे? पक्का? देखते हैं भैया, लाल सिंह मामा के प्यारे से भांजे को पेश कर दो। कर दूं? कर दूं? कर दूं? बेल्ट टाइट कर लो। यही तो ढीला हो जाता है, रुका चैन लग गई। दिक्कत दे, कैमरा बंद है? सब बंद है। बंद? कर दूं? हाँ यार, थोड़ी एनर्जी आ जाए। तेरे को मालूम है कौन चला रहा है कैमरा? चंदन भैया चला रहे हैं। आज तो अपने मैनेजर चला रहे हैं कैमरा। पकड़ लिया आज तो? आज तो मैनेजर को ही पकड़ लिया। मैंने जी भी परेशान हो गए थे। हाँ, तो हमने सोचा मैंने जी को आए। मालूम है तुम? तुम्हें मालूम नहीं है? आए भाभी ने परांठे खा के भेजे हैं इनको। तभी कहते हैं तत्ती आ गई है मेरे को तत्ती। चलिए चल, कर दूं? मजा नहीं आ रहा। एक बार दोबारा से, दोबारा से एक बार थोड़ा एनर्जी लिया हूं। कोई टंग ले। साहिबान मेहरबान कदरदान, आलू की दुकान, समोसे की दुकान, चिरकुंडा की दुकान, मिरकुंडा की दुकान, मेरी दुकान, सबकी दुकान। और मंगोड़ा लाके और मंगोड़ा घुमा के आपके सामने आ रहे हैं छमिया सन्ना के। छमिया सन्ना के? ढाई सौ ग्राम तोल लिया। 250 ग्राम है, लेकिन टैलेंट कूट कूट के भरा है। टैलेंट कूट कूट के भरा है। पक्का? यही तो तगड़ी वाली बात है। छोटा पैकेज बड़ा धमाका? बड़ा बड़ा बड़ा। सोचो, क्या नाम है आपका? नकुल। क्या नाम है? नकुल। नाम तो बता दो। नकुल। जोर से तो बोल दो। नकुल। जोर से बोलो। नकुल। और जोर से। नकुल। और जोर से। नकुल। और जोर से। नकुल। नकुल। चलिए नकुल भाई का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। ग्वालियर मेला महोत्सव 2023 में, और छतरी नंबर तीन पर। रुचि का जागरण।
तालियां। कैसा था इनका टैलेंट? कैसा था? कैसा लगा? कैसा लगा दादाजी? बहुत बढ़िया लगा। आशीर्वाद दे दीजिए। कैसा लगा टैलेंट? बहुत बढ़िया। कैसा था टैलेंट? बढ़िया। क्या हो गया? गाड़ी परेशान हो गया इस गाड़ी से। 1,00,000 रुपए की गाड़ी लाया मैं। अरे परेशान हो गया, पता नहीं खटारा गाड़ी है, आवाज भी नहीं करती। जिन्हें को ऐसी गाड़ी लेके आए 1,00,000 रुपए यार, अच्छी गाड़ी लाया ये। अरे परेशान हो गया मैं इस गाड़ी से। गाड़ी ऐसी जल्दी है? 1, 2, 3 मुझे महंगी पड़ गई है गाड़ी 1,00,000 रुपए बहुत महंगी पड़ गई यार भाई साहब। 1,00,000 रुपए चले गए मेरे। 1,00,000 रुपए यार भाई साहब, अब डिप्रेशन की गोली खाने पड़ेगी मुझको। डिप्रेशन की? हाँ भाई साहब, डिप्रेशन की गोली लाया हूँ भाई साहब। कहा ले, कहा जल्दी का? जल्दी का, जल्दी का, इसको भी गला, गाड़ी को भी। ये दोनों की दोनों चिरकुंडे बार बार बीच में आ जाते हैं। चलिए चिरकुंडों की बातों पे ध्यान न दीजिए। चलिए दिखाता हूँ प्यारी सी बहन का प्यारा सा टैलेंट आप सभी के बीच। ग्वालियर मेला महोत्सव में लेकर आ रही है प्यारी बहन। आपका? अनुष्का। आपका? सोनम। चलिए तीनों बहनों का डांस टैलेंट आपको दिखाते हैं मेला महोत्सव 2023 में। हो से जो बसर कारियों का काम जिसे की हो मेरू बालम थानेदार चला वैसे पसी। हाय मेरू बालम थानेदार चला वैसे पसी। हाय मेरू बालम थानेदार चला वैसे से यो रोब बेरी का मेरे आगे गुस्सा ठंडा पड़ जा वैसे जहरी का। ओ सारे शहर में चल से यो रोब बेरी का मेरे आगे गुस्सा ठंडा पड़ जा वैसे जहरी का। कोई सर्दी में तीर रम चलिए ये सोलर एनर्जी से एक बेटा आपके लिए सोलर से एक आपके लिए और एक आपके लिए सोलर से एक आपके लिए रफीक खान भाई साहब की ओर से आर के प्रॉपर्टी से एक आपके लिए एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है वीरेन शर्मा जी की ओर से और एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से हमारी छोटी बहन का प्यारा सा टैलेंट। क्या नाम है बेटा? पूजा। पूजा। पूजा किसने रखा ये नाम आपका? मम्मी ने। मम्मी ने। चलिए हमारी मौसी की लड़की का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। कहाँ रहती है? यहीं पे ग्वालियर। ग्वालियर में कहाँ पे? डबरा में रहते हैं। डबरा में। हाँ डबरा वाली मौसी जी जो यूट्यूब पर फेसबुक पर देख रही है मौसी जी की लड़की का प्यारा सा टैलेंट आप सभी के बीच। मौसी जी देखिए मेरे बहन का प्यारा सा टैलेंट। नहीं तो मैं कौन जाऊंगा पहुंच जाऊंगा नहीं तो मैं कौन जाऊंगा।
जोरदार तालियां छोटी बहन के लिए, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा डांस किया आपने। मौसी जी कैसी हैं घर पे? ठीक है, बढ़िया है मौसी जी। भैया मुझे भी करना है, ये खड़ी हमारी अंकल मुझे भी करना है। ये मम्मी आपकी मौसी है, ये आपकी मौसी है। मौसी जी नमस्ते। ये बच्ची को और करना भैया, इनको भी करना है। ये हमारी बड़ी मौसी है, आज तो दोनों मौसी आई है। आपका भी डांस है। चलो मौसी की लड़की का एक और टैलेंट, गुल्लक फोड़ के। गुल्लक फोड़ के क्या लेके आए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो फोन पे और गूगल पे और इनका जमाना आ गया है। नहीं तो पहले हाँ ये मिट्टी वाली गुल्लक आती थी, चम्मच डाल के हमारे चंदन भैया ऐसे पैसे निकालते थे। एक ककलदार केवल बोलते किसके लिए? चूरन की गोली के लिए। क्या हो गया भाभी, आपके पति से मैंने कुछ बोल दिया क्या? अरे हमारे भैया हैं, हाँ आपके सैया हैं तो क्या हुआ? हमारे चंदन भैया हैं, चंदन भरैया। मेरे दिल ने तोड़ के तेरी जान कसम ले लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के, तेरी जान कसम ले लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के। जोरदार तालियां सबके लिए। ये शैम्पू है पर पहले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पहले उनको दे दूं। ये वेलनिक्स है, एक आपके लिए, छतरी नंबर 3 पर है वेलनिक्स। एक आपके लिए भी है वेलनिक्स से, वेलनिक का शैम्पू एक आपके लिए भी है। और एक बेटा आपके लिए है वेलनिक्स से, एक आपके लिए है वेलनिक्स से, एक आपके लिए भी है वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए वेलनिक्स से, एक आपके लिए भी है वेलनिक्स से। सबके लिए है, सबके लिए, सब खड़े रहिएगा, सबको मिलेंगे वेलनिक्स के शैम्पू। और इसके बाद सभी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, भाभी के लिए और चाची के लिए, सबके लिए मेहंदी के कोन। एक आपके लिए वेलनिक्स से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है वेलनिक्स से, एक भैया आपके लिए वेलनिक्स से, एक बेटा आपके लिए, एक आपके लिए भी वेलनिक्स शैम्पू से, एक गुड़िया आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू से, भाभी जी एक आपके लिए भी है वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए वेलनिक्स से, एक बेटा आपके लिए वेलनिक्स, वेलनिक्स शैम्पू नंबर 1 शैम्पू एक आपके लिए है भाभी जी वेलनिक्स से, एक भैया एक आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू से, बाल बिल्कुल शानदार हो जाएंगे इससे। हाँ वेलनिक्स का शैम्पू नहीं लगाया तो कुछ नहीं लगाया। एक आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए भी है वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए वेलनिक्स से, भैया एक आपके लिए वेलनिक्स से, एक आपके लिए। और चिरकुंडे क्या हो गया भैया? मेहंदी के कौन है? हेंगे आज तो लगाई भी है। चिरकुंडा हाँ, उड़ान बंद चिरकुंडे की। एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है भैया, पकड़िए पकड़िए, अरे ले लीजिए। एक आपके लिए है हाँ, और एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके कौन भी है मेहंदी के कौन, एक आपके लिए, और एक आपके लिए भी है, और एक आपके लिए है, और एक आपके लिए भी है। एक अंकल जी आपके लिए, भैया एक आपके लिए, माता जी एक आपके लिए, एक आपके लिए, और एक आपके लिए, और एक आपके लिए है, और एक आपके लिए है। ये भी प्रोग्राम देख रहे थे, एक आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू से, एक आपके लिए भी है वेलनिक्स से, एक आपके लिए वेलनिक्स शैम्पू इंडिया से, और एक गुड़िया एक आपके लिए भी है आंटी जी, एक आपके लिए भी है, और एक आपके लिए भी है माता जी, हाँ सबके लिए है। एक बेटा आपके लिए है विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए भी है विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से,
एक आपके लिए, और एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से डेन के संचालक। आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है, हमारे बॉस का। किसका? हमारे बॉस का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो बोल दीजिए एक बार हैप्पी बर्थडे। एक आपके लिए भी है वीरेन शर्मा जी की ओर से, एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, और एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, एक गुड़िया आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, एक आपके लिए वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से, एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से। आपने डांस किया, अच्छा मिल गई आपको। एक बेटा आपके लिए है वीरेन शर्मा जी की ओर से। और अभी तक करीब 50 लोग बुकिंग करा चुके हैं एलिस की इलेक्ट्रिक मात्र 13,000 रुपए में, और अभी एक एक्टिवा मॉडल निकला है 18,000 रुपए में। सचिन तेंदुलकर रोड डीवी सिटी रोड पर है एलिस व्हीकल का ये शोरूम। गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए बड़ी शानदार गाड़ी है इलेक्ट्रिक, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलती है, और कई सारी हाइजेनिक सुविधाओं के साथ ये हाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ है एलिस की टू व्हीलर। अगर आप चूक गए हैं, अभी नहीं ले पा रहे हैं, केवल ये सारे ऑफर 5 मार्च तक रहेंगे मात्र 13,000 रुपये में, 100% कैशबैक। अगर आपके पास बजाज का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आपको मिलेगी गाड़ी मात्र 18,000 रुपये और 13,000 रुपये। हाँ, एक 13,000 रुपये वाला मॉडल है और एक्टिवा मॉडल 18,000 रुपये में एलिस। अभी तक करीब 50 से 55 बुकिंग हो चुकी हैं एक आपके लिए एलिस व्हीकल सिटी सेंटर से, पटेल साहब की ओर से। एक आपके लिए भी है एलिस व्हीकल से, एक बेटा आपके लिए एलिस व्हीकल से, एक आपके लिए है एलिस व्हीकल से, एक आपके लिए है एलिस व्हीकल से, और एक बेटा आपके लिए है, आपने डांस अच्छा किया था, आप दोनों के लिए है एलिस व्हीकल से, एलिस व्हीकल से, और एक बेटा आप दोनों के लिए है एलिस व्हीकल से, ये एलिस व्हीकल से। एक गिफ्ट सोलर से एक आपके लिए, क्या नाम है आपका? गोपी। क्या नाम है? गोपी। गोपी, एक आपके लिए, तो आपका नाम गोपाल होगा, वंस। और आपका नाम होगा, क्या नाम है? जानवी। एक आपके लिए, हाँ एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है गिफ्ट सोलर से, एक आपके लिए गिफ्ट सोलर से, एक गुड़िया आपके लिए भी गिफ्ट सोलर से, आपके लिए गिफ्ट सोलर से, एक भैया आपके लिए गिफ्ट सोलर। ये छतरी नंबर 3 और कला मंदिर गेट पर लगा है गिफ्ट सोलर का ये स्टॉल। एक आपके लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है गिफ्ट सोलर से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए, सबके लिए है गिफ्ट सोलर से। हाँ, बड़ा शानदार सोलर अगर आप लगवाना चाहते हैं अपने घर, तो आज ही आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 3 और कला मंदिर गेट के ठीक बीच में है गिफ्ट सोलर से। एक आपके लिए, एक आपके लिए गिफ्ट सोलर से, एक आपके लिए गिफ्ट सोलर से, एक आपके लिए गिफ्ट सोलर से, और एक आपके लिए है, और एक आपके लिए, और एक बेटा आपके लिए, और एक आपके लिए भी है गिफ्ट सोलर से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है गिफ्ट सोलर से, एक बेटा आपके लिए गिफ्ट सोलर। हाँ, अगर सोलर कोकर सोलर लगवाना चाहते हैं आप, सोलर एनर्जी, तो आप संपर्क कर सकते हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में आके। ये लीजिए, ये संतपुरा से आए हैं, ये हमारे यहाँ सुंदर मामा के भतीजे। एक आपके लिए भी है सोलर से, एक आपके लिए सोलर से, मेहंदी दे। महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए और बहनों के लिए, हाँ ये महिलाओं के लिए दो दो मेहंदी के कौन कावेरी से, आप दोनों के लिए, आपके लिए आंटी जी दो लीजिए, दो दो हाथ हैं तो दोनों हाथों में रचेगी अब कावेरी की मेहंदी। आपके लिए भी है कावेरी से, एक बार आपके लिए है कावेरी से, आपके लिए है कावेरी से, आपके लिए बेटियों को अभी दूंगा मैं, अभी आपकी मम्मियों को दे दें पहले। आपके लिए है ये कावेरी से, छतरी नंबर 3 पर लगेगी, हाँ यानी कि कावेरी की मेहंदी जब आपके घर आएगी, कावेरी से आपके लिए, और आपके लिए कावेरी से, और आंटी जी एक आपके लिए भी है कावेरी से, आपके लिए भी है कावेरी मेहंदी से, दो दो कौन मेहंदी के कावेरी मेहंदी से, आपके लिए भी है कावेरी से, आपके लिए कावेरी से, और बेटा आपके लिए कावेरी से, और आपके लिए कावेरी से, आपके लिए कावेरी मेहंदी से, मेला महोत्सव और कावेरी मेहंदी की ओर से आपके लिए, आपके लिए। लड़के आए हो क्या आप घर से? पीछे खड़े थे आप,
अभी आ रहे हैं। अजी आते जा रहे हैं। अच्छा सीधे सीधे मेला घूमने के लिए कहाँ से आए हो आप लोग? सीपरी से। तो सीपरी में भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर ग्वालियर मेला महोत्सव को आपके लिए। और कौन रह गया? आपके दुकान से सीधे टॉप लेके आना के लिए जीत फैशन महाराज बाड़ा से आपके लिए। एक आपके लिए है, एक आपके लिए है कावेरी मेहंदी से। आपके लिए कावेरी मेहंदी से, आपके लिए कावेरी मेहंदी से, आपके लिए कावेरी मेहंदी से, आपके लिए भी कावेरी से, आपके लिए कावेरी से, इसे आपके लिए। एक आपके लिए एलएस व्हीकल से, एक आपके लिए, एक आपके लिए है रफीक खान साहब की ओर से आरके प्रॉपर्टी। अगर आप ग्वालियर में कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिए रफीक खान साहब, जीवाजीगंज निम्बाजी खो में रहते हैं रफीक भाई साहब की ओर से। और एक आपके लिए है वीरेन शर्मा जी की ओर से, एक आपके लिए। हाँ अभी थैले तो ले जाओ। एक बेटा आपके लिए है ये नवी फैशन से, एक आपके लिए भी है नवी फैशन से, और एक आपके लिए है नवी फैशन से, और एक बेटा आपके लिए है नवी फैशन से, और आपके लिए भी है नवी फैशन से, एक आपके लिए भी है नवी फैशन से, एक आपके लिए नवी फैशन से। हाँ नवी फैशन यहाँ पर 16 मतलब बचपन से लेकर 16 साल तक के बच्चों के और बच्चियों के कपड़े मिलते हैं कोहिनूर ओजरी के ठीक बगल में है नवी फैशन से। एक आपके लिए नवी फैशन से, और एक आपके लिए एलिस व्हीकल से, एक आपके लिए, और एक आपके लिए भाभी जी ये नवी फैशन से, एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए एलिस व्हीकल से। मेला महोत्सव की गाड़ी में सवार होना चाहते हैं, 6 से 7 दिन का रह गया ग्वालियर का व्यापार मेला। फेसबुक पर लगभग 22.5 लाख लोगों ने पसंद किया मेला महोत्सव। आप देख लीजिए फेसबुक पेज पर कई छोटे छोटे बच्चों के 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 20,000 तक उनके टैलेंट हैं। और अगर आप भी सवार होना चाहते हैं मेला महोत्सव की गाड़ी में तो आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेले में छतरी नंबर 3 पर। चलिए गाड़ी मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अब आगे पहुँचते हैं। 1, 2, 3 अब की टीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी सेंटर होटल पैकफिक। हाँ जाना पहचाना नाम पैकफिक टावर में स्थित है होटल पैकफिक, और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो एयरटेल ऑफिस वाली गली में, जैसे ही एयरटेल वाली लाइन में आप आएंगे तो सीधे आपको मिल जाएगा सीधे सामने होटल पैकफिक। तो चलिए दिखाता हूँ होटल पैकफिक। हाँ डीलक्स सुविधाओं के साथ होटल पैकफिक, और साथ ही रूम की जो स्टार्टिंग रेट है 999 रुपये से स्टार्ट है। और साथ ही आप हाँ ऐप को डाउनलोड करते हैं तो मात्र 499 रुपये में आपको रूम बुकिंग मिलेगी 499 रुपये में। चलिए आपको दिखाता हूँ होटल पैकफिक। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल पैसिफिक जस्ट स्टे, ये रिसेप्शन काउंटर है। अगर आप बुकिंग कराने आते हैं तो रिसेप्शन काउंटर पर मिल जाएंगे हमारे आदरणीय अंकल जी। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? के जी एस चौहान जी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप होटल की बुकिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर। दोस्तों अब आती है रूम की बारी। हाँ डीलक्स सुविधाओं के साथ यहाँ पर रूम अवेलेबल है होटल पैसिफिक, और आप देख सकते हैं डीलक्स सुविधाओं के साथ यहाँ पर रूम अवेलेबल है, और साथ ही आपके लिए यहाँ पर सोफ़ा भी अवेलेबल है, और साथ में नीट एंड क्लीन एंड हाइजेनिक रूम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे होटल पैसिफिक में। और आपको रूम बुकिंग पर हाँ अगर आप जस्ट स्टे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको रूम बुकिंग पर सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। आपको 499 रुपये से शुरू है रूम बुकिंग, और सीधा फ़ायदा, सीधी बात, सीधा फ़ायदा। All I see is stars.
up, the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva, give it to me, Jalva, give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jis moon ka hai ye Jalva, jis moon ka hai ye Jalva. Shohrat bhi de ye Jalva, maqsad bhi de ye Jalva. Tell him like it is. I can't hear. Dil kash lage ye jalwa, main kash lage ye jalwa. Naja hi nashya ye jalwa, maza hi maza. Naja hi nashya. Throw it up, throw it up. Jalwa. Aag si rawaniya. Yo, I know a lot of yo. मेला मौसम की टीम इस वक्त में मौजूद हूँ रवि ट्रेडर्स मिल्सन टाटा चक्की के शोरूम पर, और आप देख सकते हैं ये दोनों आटा चक्की पैक हो चुकी है, यानी के ग्राहक ने और मेला सैलानियों ने पसंद कर रहे हैं। 70 वर्षों का विश्वास जीता है मिल्सन टाटा चक्की ने। एक जा रही है मुरैना और एक जा रही है बामोर। हाँ, ये एक जा रही है बामोर और एक जा रही है मुरैना। हाँ, अगर आप भी लेना चाहते हैं ये शानदार आटा चक्की, 70 वर्षों का विश्वास जीता है मिल्सन टाटा चक्की ने, और आप परेशान हो गए हैं हाँ आटा पिसवा पिसवा के। हाँ, आप भेज देते हैं 22 किलो, जब घर पे आटा आता है वो आता है 21 किलो या 20 किलो, 2 किलो आटा कहाँ चला गया आपका। फिर आप चक्की वाले से बोलते हैं, चक्की वाला बोलता है कि आप इतना ही दे गए थे। पर मिल्सन की आटा चक्की में अगर रात में भी आपके घर मेहमान आ जाएं और घर में नहीं है आटा पर गेहूं तो है ना, तो तुरंत 5 मिनट में आपका आटा पिस के आपके हाथ में और आपके मेहमानों को, यानी कि 15 मिनट के अंदर तो आपके मेहमानों के लिए बड़े बड़े फुलके तैयार। हाँ, बड़े बड़े फुलके तैयार, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शानदार रोटी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, बड़े बड़े फुलके बिल्कुल तैयार। तो अगर आप आटा चक्की लेने का विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर चल रहा है बड़ा ही शानदार डिस्काउंट, और मेला महोत्सव का नाम लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पर। तो सीधे चले आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में। रवि ट्रेडर्स ने लगाया है छतरी नंबर 2 और रेडियो रूम के ठीक बीच में, यहाँ पर मिल्सन टाटा चक्की का ये शोरूम। आइए देखिए परखिए 70 वर्षों का विश्वास और रवि ट्रेडर्स का साथ छतरी नंबर 2 पर और रेडियो रूम के ठीक बीच में मिल्सन टाटा चक्की के इस शोरूम। से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। साला आइला उस्मा आएगा पोरी आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू। Thank you.
होश उड़ा ले जाए। इस लड़की है या है कयामत दिल से निकले आए। सोते जगते लड़की देखो दिल धक 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 धड़के। देखो फड़के आंख मेरी तन में शोला सा भड़के। लड़की लड़की करते करते हो न जाए दीवाने। ऐसा ना हो जाए कि हम खुद को ही ना पहचाने। और मेरा जब भी होता है सभी नगाए खाली। हर ताले की रखता हूँ मैं अपने जेब में चाबी। लड़की देखी मुँह से सीधी बजे हाथ से ताली। लड़की देखी मुँह से सीधी बजे हाथ से ताली। साला आईला उस्मा आएगा पूरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। मैं अनाड़ी तू 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 तू। आपको क्या लगा हम भूल गए? हम दोनों हैं अलग अलग। हम दोनों हैं जुदा जुदा। एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा।